हेलो साथियों, नमस्कार। आपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार, खासकर शिक्षा जगत से। बिहार से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बदलाव, रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जारी होगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग होगी। 19 से 22 जुलाई को होनी है परीक्षा। 404 केंद्रों पर होगा आयोजन। सूबे के 60 लाख बच्चों गणित और विज्ञान पढ़ाने की पुरानी पद्धति से मिलेगी निजात। छठी व आठवीं में गणित विज्ञान की पढ़ाई या परियोजना आधारित। सक्षमता पास 1,87,818 नियोजित काउंसलिंग 1 से। आवंटित जिले के DRCC में होगा प्रमाण पत्रों का सत्यापन। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक काउंसलिंग 1 से। सक्षमता पास शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन 1 अगस्त से। सरकारी स्कूल में 1 सप्ताह चलेगा विशेष नामांकन अभियान। प्रधान शिक्षक के रिजल्ट के लिए भी करना होगा इंतजार। BPSC ने 65% आरक्षण पर सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा मार्गदर्शन। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग उन्हें आवंटित जिले में ही 1 अगस्त से होगी। इससे संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से मंगलवार को जारी किया गया है। काउंसलिंग आवंटित जिले के DRCC में होगी। काउंसलिंग प्रभाव 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पहला स्लॉट प्रभाव 9 से 10:30 तक, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 तक, तीसरा स्लॉट 12 से 1:30 तक, चौथा स्लॉट 1:30 से 3 बजे तक एवं पाँचवा स्लॉट 3 से 4:30 बजे तक अपराह्न तक है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय की काउंसलिंग 1 अगस्त से, माध्यमिक शिक्षकों काउंसलिंग 2 से, स्नातक कोटि के सभी विषयों की शिक्षकों काउंसलिंग 3 अगस्त से, मूल कोटि उर्दू बांग्ला शारीरिक शिक्षकों की काउंसलिंग 5 अगस्त से एवं मूल कोटि के सामान्य शिक्षकों काउंसलिंग 6 अगस्त से होगी। शिक्षकों के लिए तिथि एवं स्लॉट विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसकी सूचना भी संबंधित शिक्षकों को दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को अधिकतम 3 दिन की ऑफिशियल छुट्टी मिलेगी। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों एवं पुस्तकालय की सूची विभाग के वेबसाइट पर अपलोड होगी। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम निकलेगा। प्रत्येक विद्यालय के कार्यरत बल की अपेक्षा सापेक्ष 1/3 शिक्षा अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन बाद दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी आएंगे। काउंसलिंग में मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर BEd प्रमाण पत्र, दक्षता BTC STET उत्तीर्ण प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। ये थे कुछ मुख्य समाचार। जिनके हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने ही चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।